अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? ये देखिए, क्या बात? भाई मुझे भी तो बताओ। बस ये दिन देखना रह गया था जिंदगी में मेरी। बहुत गलत की है भाई, बहुत ज्यादती की अम्मी हमारे साथ। इस लड़की से शादी के लिए इसने हम सबको छोड़ दिया, ना किसी रिश्ते का ख्याल रखा, ना हमारी इज्जत का। तुम क्यों रो रही हो? जब वो हमें यहाँ छोड़ के चला गया तो फिर वो शादी करे कुछ भी करे, हमें क्या उससे? जो से हमारा एहसास नहीं तो ऐसे बंदे के लिए आंसू बहाने का क्या फायदा? ऐसा बेटा, क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था उसको मैंने? कितना खुश थे उसकी शादी को लेकर हम लोग। हमने उसकी शादी में जाने के लिए मना क्या किया? उसने तो हर रिश्ते नाते खत्म कर दिया हमसे। उसने वही किया जो तय किया था। उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। वो जिस हाल में भी रहे, हमें उससे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी भाई से बात करती हूँ, फोन करके उनकी खबर लेती हूँ, उन्होंने ऐसे क्यों किया हमारे साथ। कोई बात नहीं करेगा उससे, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं उससे। अब कभी भी कोई रابطہ करने की कोशिश नहीं करेगा उससे। उसने जो अपनी अलग दुनिया बसाई है ना, अब वो वहीं रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मम्मी आप रोना तो बंद करें प्लीज। मम्मी अलीजे, बेटा आज तुम ऑफिस ना जाओ, छुट्टी कर लो। क्यों, आज ऐसा क्या है? देखो ना, अब तुम रात भर सोई नहीं हो, परेशान रही हो और आंखें भी कितनी सूज रही हैं तुम्हारी रो रो के। परेशानी तो अब मेरे साथ है, कब तक इसके बहाने करके छुट्टियां करती रहूंगी? मेरी छुट्टी करने से सब कुछ बदल थोड़ी जाएगा। लेकिन बेटा छुट्टी कर लोगी, आराम करोगी तो तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी ना। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा उषा, मैं ऑफिस चलो। आप इसे समझाते क्यों नहीं है? किसे? रिजे को? ले रहे और किसे? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जिससे उसे समझा सकूं। आप उससे कहें ना कि वो घर पे रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की? वो जो चाहती है ना बस उसे वही करूँगी। समझदार है माशाल्लाह, पर फिर इस हादसे ने तो और समझदार कर दिया। लेकिन
अब हमें भी समझदार बनने की जरूरत है। आखिर बेटी का मामला है। हमने तो जब जब भी अपनी मर्जी की है ना तो उसे दुखी मिला है। बेहतर यही है कि तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। अच्छा ये बताएं, आपने नौमान भाई से बात की? तुमने तो मना किया था कि दोबारा उससे तलाक की बात ही ना करो। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें फवाद को मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बेटी की खुशियों की खातिर अपने बेटे से भीख मांगो। आप और आपकी बेटी ना एक ही सोच के मालिक हैं। अच्छा मैं तो चलता हूँ। आओ बेटा, आओ बैठो। अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है मुझे। हाँ आज मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। तुमने जो इतना मेरा ख्याल रखा हुआ है तो ठीक कैसा ना होता मैं? ये मेरा फर्ज है पापा। अंदाजा भी नहीं कर सकते आपको इस तरह देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है। अरे मैंने तो आपको एक्टिवली हमेशा सब कुछ करते हुए देखा है। देखो बेटा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियों में अब पहले वाली ताकत नहीं। बूढ़े तो आप नहीं है, होना कभी हो सकते। आप मुझसे भी ज्यादा यंग और हैंडसम हैं। आखिर बाप किसके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह खुश देखकर। बेटा मेरी खुशियां तो अब सिर्फ तुमसे जुड़ी है। तुम खुश हो तो मैं भी खुश। अच्छा पापा, मैं रमीज के ऑफिस जा रहा हूँ। आपको वो पार्टनरशिप का बताया था ना मैंने, उसके कुछ पेपर्स रह गए वो साइन करने। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे, जैसा तुमने सोचा है वैसा ही हो इंशाल्लाह। बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, मेडिसिन आप टाइम पर ले लीजिएगा प्लीज। भाई तुम आराम से जाओ, मेरे लिए परेशान मत हो। बाबा जी सर, आप मेरे लिए परेशान होना नहीं छोड़ सकते, मैं भी नहीं छोड़ सकता। बस आप इस बिस्तर को छोड़ने की तैयारी करें, ठीक है? आता हूँ। बहुत बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हुक्म कीजिए। फवाद बेटा, तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना? जरूर करो बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस तुम मेरा काम कर दो। पापा काम छोटा हो या बड़ा, आप हुक्म कीजिए, हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, अब मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता, तुम बड़े हो गए हो। हाँ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब आप ऐसे बोलेंगे मुझसे? बेटा मेरा बिजनेस वाइंड अप करने में मेरी मदद कर दो। इतना बड़ा बिजनेस खत्म करना आसान नहीं है। अब मुझमें पहले वाली ताकत भी तो नहीं है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, फिर इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके अभी चलता हूँ। सी यू सून। राबिया, राबिया। जी साहब जी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, पापा का ख्याल रखना, उन्हें वक्त पर खाना और मेडिसिन दे देना याद से। ठीक है साहब। कोई भी इशू मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। हेलो। हाँ मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ, गाड़ी पार्क कर लिए, बस अंदर आ रहा हूँ। ओके okay।
साहब जी दवाई खा लें। तुम रख दो, मैं खा लूंगा। नहीं साहब जी, आप अभी खा लें। फवाद साहब मुझे कहकर गए थे कि मैं आपको वक्त पर दवाई खिला दूं। ठीक है। लो। वैसे साहब जी, फवाद साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। ऐसे बेटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। मुझे लगता है फवाद की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। मुझे अलीसे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल था शायद वक्त गुजरने के साथ फवाद अपनी राय बदल दे, मगर वो तो लगता है कोई और खो गया है। मेरे ख्याल में मुझे इससे तलाक की बात कर लेनी चाहिए। अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए ताकि दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। जैन मुझे कल कुछ मुख्तलिफ लगा, और फिर उसका निकाह में लेट आना जरूर कोई बात है जो उसके दिमाग में चल रही है। मुझे उसे कंट्रोल में रखना होगा, उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। असफर तो मेरे दबाव में था, लेकिन इसके तेवर मुझे कुछ मशकूक लगे। पता नहीं मैंने किंजा की शादी का फैसला ठीक किया या गलत। जैन जितना सीधा नजर आता है उतना है नहीं। कहीं ये किंजा को मेरे खिलाफ यूज ना करे। मुझे किंजा को भी अपने हाथों में रखना पड़ेगा। अकलमंदी से काम लूंगा तो ही सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, ओके, चल अल्लाह हाफिज़। यस इधर घूमो भाई, चाय पियो। हाँ हाँ, थैंक यू। क्या बात, आज कुछ खामोश खामोश लग रहा है। वो तुम्हारे स्टाफ है ना बाहर, बहुत एक्सपीरियंस्ड लगता है। हाँ यार, कुछ लोग पुराने हैं और कुछ लोग नए, लेकिन सब बहुत मेहनत से काम करते हैं। सोच रहा हूँ जब बिजनेस एक्सपेंड करूंगा तो कुछ और लोगों को हायर कर लूँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। हाँ वो एक्चुअली रमीज़, हाँ हमारी पार्टनरशिप का लीगल प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तो मैं अपने पापा के बिजनेस को वाइंड अप करने में उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू से? तो तुम इस वजह से परेशान? यार कमाल है, ये भी कोई बात है परेशान होने? मैं तो समझा मेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई। तुम्हें जो इजी लगता है ना वो तुम तो जानते हो यार, पापा मुझसे पहले ही बहुत नाराज हैं। मुझे ना उनकी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई इशू नहीं, और मैं साथ साथ इस बिजनेस को भी देख लूंगा। वैसे यार, ये तुम्हारी और अंकल की नाराजगी कब खत्म होगी? बाहर तो मुझसे ठीक है वो, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझसे खफा है। ये बात जो नहीं मानी मैंने। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा? क्या करोगे?
जैसी कोई लड़की पसंद आ जाएगी उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा, सिंपल। और अगर वो ना मानी तो? कैसे नहीं मानेगी वो? क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम्हारे दोस्त में भाई? ना ये बात तो है, कमी तो कोई नहीं। सर को आज प्रेजेंटेशन देनी है, आपको याद है ना? काम मुकम्मल हो गया? बस कर रही हूँ, थोड़ी देर में मुकम्मल हो जाएगा। चलें ठीक है, आप जैसे ही काम कंप्लीट कर लें मुझे बता दीजिएगा, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। मुझे रोना क्यों आ रहा है? मैं तो इसे अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे इसके बारे में कभी नहीं सोचना। पर इसकी शादी की तस्वीरें देख के मुझे दुख क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसने एक बार फिर मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं, मैं इसके लिए नहीं रोऊंगी। ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं इसके लिए अपने आंसू जाया करूँ। इसने जितना मुझे बेइज्जत किया वो तकलीफ कभी मेरे अंदर से नहीं जा सकती। मेरी खुशियां छीन कर वो आज किसी दूसरे के साथ कितना खुश है। जिसको चाहो सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। जिसको चाहो सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। कुछ नहीं, वो दोस्त का फोन है, बाद में बात कर। तो तुम बात कर लो। वो फिर बात कर लूंगा ना, वैसे भी बहुत लंबी बात करता है और मैं नहीं चाहता तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तीसरा आदमी मैं डिस्टर्ब करूं। यही बात है या मेरे सामने नहीं बात करना चाहता? मैं तो बात कर लूंगा, तुम ही बोर होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया हो। हाँ हो सकता है, मगर मैं कर लूंगा ना बाद में बात। और तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई, आज हमारी शादी के बाद पहला दिन हमारा एक साथ। मैं नहीं चाहता हम किसी और की बात, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। और चलो तुम ये बताओ कि आज का क्या प्लान? बाहर चलते हैं। हाँ तुम फिर अच्छा सा तैयार हो जाओ और फिर बाहर चले।
हमदर्द लोग इंसान, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसलिए ना, ताकि तुम्हारी बीवी को हमारे बारे में नहीं पता चल जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, जिंदगी नहीं जीऊंगी, कि तुम्हारी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का रोग बना लूंगी? ऐसा कुछ नहीं, मैं जिंदा हूं और खुश हूं। अगर मुझे दुख किसी बात का है तो वो इस बात का है कि मैंने तुम जैसे धोखेबाज और घटिया इंसान पे भरोसा किया। सच तो ये है कि तुम जैसा इंसान तो मुझे डिजर्व भी नहीं करता। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी तुमसे शादी है। अल्लाह ने मुझे तुम जैसे फरेबी इंसान से बचा लिया। मुझे तुमसे शादी ना होने पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन ये यकीन जरूर रखती हूँ कि एक दिन तुम बहुत पछताओगे। तुम मोहब्बत को तरसोगे, लेकिन तुम्हें मोहब्बत नहीं मिलेगी। जी हेलो जी, अभी आई। फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं, जीने की एक नई राह मिली, तो क्यों भर आया जीने की एक नई राह। क्या हुआ मैम? क्या हुआ, ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? लीजे एकदम से बस गिर गई। पानी लेकर आइए जल्दी। लीजे मैम उठे, क्या हुआ आपको? पानी लेकर आइए जल्दी। अचानक कैसे बेहोश हो गई हैं? कुछ भी नहीं पता, बस एकदम से गिर गई हैं। लीजे मैम, मैम अलीजे हुआ क्या आपको? होश में आइए मैम। आर यू ओके? अलीजे होश में आइए, क्या हुआ आपको मैम? लीजे होश में आइए, हुआ क्या? आ जाओ। बेहोश हो गई, मगर कैसे? इसको क्या हुआ है? पता नहीं सर, अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी, अचानक से यहाँ से गुजरते हुए बेहोश हो गई है। अलीजे इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ मैं ले जाता हूँ। अलीजे होश में आइए, क्या हुआ आपको मैम? आर यू ओके? ठीक है आप, क्या हुआ आपको? सर सर इन्हें होश आ रहा है। उठाए इन्हें, चेयर पे बिठाएं प्लीज। अलीजे उठें, आराम से उठें, आराम से। ठीक है आप? ठीक है, मच बेटर। ठीक है आप, आर यू ओके? मेरे ख्याल में हॉस्पिटल तो फिर भी इनको लेकर जाना होगा, बेहोश होने की कोई तो वजह होगी। मैं ठीक हूँ। नहीं एटलीस्ट आपका चेकअप तो होना चाहिए ना। नहीं वो बस थोड़े चक्कर आ गए थे, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, आप इन्हें अंदर केबिन में लेकर जाइए। आप लोग सब प्लीज अपना काम करें। इसलिए ना, ताकि तुम्हारी बीवी को हमारे बारे में नहीं पता चल जाए।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, जिंदगी नहीं जीऊंगी, कि तुम्हारी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का रोग बना लूंगी? ऐसा कुछ नहीं, मैं जिंदा हूं और खुश हूं। अगर मुझे दुख किसी बात का है तो वो इस बात का है कि मैंने तुम जैसे धोखेबाज और घटिया इंसान पे भरोसा किया। सच तो ये है कि तुम जैसा इंसान तो मुझे डिजर्व भी नहीं करता। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। अल्लाह ने मुझे तुम जैसे फ्रेमी इंसान से बचा लिया। मुझे तुमसे शादी ना होने पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन ये यकीन जरूर रखती हूँ कि एक दिन तुम बहुत पछताओगे। तुम मोहब्बत को तरसोगे, लेकिन तुम्हें मोहब्बत नहीं मिलेगी। जिसको चाह सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। भूलने वाले तू भी यूं ही तड़पे, दिल दे वे दुहाइयां वे। भूलने वाले तू भी यूं ही तड़पे, दिल दे वे दुहाइयां वे। मैंने मांगी थी मोहब्बत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? जैन ठीक है तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो कल निकाह में लेट आया था तो ऐसे सोचा कि तुमसे पूछ लूँ। उसका रवैया ठीक ना तुम्हारे साथ? खूब क्लास लिए मैंने उसके इस बात पे। अब देखिएगा, आयदा किसी भी जगह पे लेट नहीं होगा वो। गुड, उसे उसकी औकात में ही रखना, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। असर वाली गलती दोबारा मत करना। मैं जानती हूँ भाई, डोंट वरी अबाउट दैट। अपार्टमेंट में किसी चीज की कमी तो नहीं है? कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं अभी भिजवा दूंगा। कमी तो नहीं है, बस अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही छोटा है। यूज्ड टू हूँ मैं बंगलों में रहने की, तो अपार्टमेंट कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। अब मैंने सोचा है कि मैं अपने ही घर में रहूंगी ज्यादा। ये भी ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। कल तुम घर भी नहीं थी तो सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। आप उदास ना हो, आज डिनर मैं आपके साथ ही करूंगी। चलो ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज भाई। अलीजे, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो सही है, जल्दी आ गई? जी अब ठीक है तबीयत। अब ठीक है, क्या हुआ था? बैठो। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ अब सब ठीक है। बेटा तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल जर्द हो रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस वो आंखों के आगे अंधेर आ गया था, गिरने वाली थी, चक्कर आ गए थे बस। क्या गिरने वाली थी? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं आपको कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा भी था तुमसे कि आज तुम ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? अम्मी मेरा जाना जरूरी था, अभी तो जॉब मिली है, अभी से छुट्टियां करना शुरू कर दी तो जॉब भी हाथ से जाएगी। लेकिन बेटा जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना? ठीक है अम्मी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से तुम अकेली आई हो या कोई तुम्हें छोड़ के गया है? नहीं वो कैब करवाई। क्या तुम अकेली आ गई हो वहां से? वहां कोई ऐसा शख्स नहीं था जो तुम्हें छोड़ देता, तो तुम शहीर को फोन कर लेती अगर रास्ते में तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? नहीं हुई ना अम्मी, अब बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन बेटा जिंदगी मोहतात होकर गुजारनी चाहिए ना, जज्बाती होकर तो नहीं? अच्छा मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे कुछ देर सोना है। तो खाना तो खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, उठ के खाऊंगी मैं जरा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ लेटो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ।
तुम अकेली आ गई हो वहां से, वहां कोई ऐसा शख्स नहीं था जो तुम्हें छोड़ देता। अब तबीयत कैसी है आप? जी सर मैं ठीक हूँ, बस घर जाना चाहती हूँ। हाँ श्योर, घर जाइए और रेस्ट कीजिए। आप चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आपका शुक्रिया। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे बता दें कहाँ जाना है। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। मेरे ख्याल में तुम्हें फवाद की बात मान लेनी चाहिए, अगर रास्ते में तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो क्या करो? सर ये मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगी। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त और शरीफ इंसान है, तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। सर जो भी है मेरे लिए तो ये अजनबी है, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। अरे बाबा इसमें हर जी क्या है, फवाद मेरी फैमिली की तरह है। सर मैं खुद चली जाऊंगी, आपका शुक्रिया। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा मेरा ख्याल था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगी, मगर पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों मना नहीं किया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, ये बस शगुनी होती है। अलीज़े प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, यकीनन तुम मुझे खुदगर्ज समझ रही होगी, लेकिन बेटियों के मामले में शायद माएँ ऐसे ही होती हैं। बेटियों को रुखसत करने का मौका खुशकिस्मत माँ बाप को मिलता है, बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। बस उनके दूर जाने से ही थोड़ी परेशानी होती है। किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? आपको कुछ कहा आपने? तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट और आंखों में जो चमक देखी, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। कोई खास बात है क्या? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहे हो। क्या छुपाऊंगा पापा, वो मेरा फ्रेंड है ना रमेश, उसके साथ मेरी डील फाइनल हो गई तो बस इसीलिए खुश हूं। क्या बाकी यही बात है? और क्या बात होगी, यही बात है। मुझे तो कुछ और ही लगा। आपको क्या लगा? बेटा फवाद मुझे लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। पापा आप ही ना। देखो बेटा जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आए ना, सबसे पहले मुझसे मिलवाना। मेरी खुशी में तो तुम नहीं माने, लेकिन तुम्हारी खुशी में मैं जरूर मान जाऊंगा, और इस बार वैसा ही होगा जैसा तू चाहोगे। थैंक यू पापा, जिंदगी में जब भी ऐसा होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। लड़की तो मेरी जिंदगी में आ गई है पापा, मगर पता नहीं वो इतनी खुदसर क्यों है, अभी तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो आपको कैसे मिलवाऊं उससे? अरे यार तुमने मेरे बिजनेस के बारे में क्या सोचा? पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका बिजनेस वाइंड अप करवाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और अपना बिजनेस भी देख लूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू किस बात का, इतना फॉर्मल होकर बात कर रहे हैं मुझसे। आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। ले लीजिए चाय पिए पहले। थैंक यू। शुरू किया आपने मेरी बाथरूम पे की किताब? अगर तुम भाई भी छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे ऐसे ना धुतकारे, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अजनबी हम सफर।